सुरभि जी कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं तो अच्छा हूँ। कहाँ जा रही हैं? क्या आप ऑटो में थी तो मैंने आपका काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि मैं आई हूँ एक्चुअली कोर्ट। आज हमारी डेट है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो इसलिए मैं कोर्ट आई हूँ। क्या आप ठीक हैं? हाँ फ्री हूँ, मतलब ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ आप ठीक हैं? आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं बॉम्बे हमें सिखा देता है कोई भी परिस्थिति हो। लकीली हम लोग बॉम्बे के लोग हैं, तो लोकल ट्रेन, मेट्रो या फिर क्या बोलते हैं ऑटो रिक्शा, किसी से भी आप ट्रैवल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हाँ देखो हमारी डेट है, लेट्स सी देम। उन्होंने तो देखो क्लियरली बोल दिया है कि हम तो डिवोर्स देंगे नहीं तुम्हें, और तुम्हें कोर्ट जाना है, कोर्ट जाओ, मेंटेनेंस भी कोर्ट से ले लो, हर चीज़ कोर्ट से ही कर लो, और हम तो तुमको कुछ देने वाले हैं नहीं हमारी तरफ से। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं कि मैं कानून रास्ता लूँ इसके लिए। कभी भी आपके हस्बैंड का कॉल आया? नहीं कुछ, बिल्कुल बिल्कुल कोई कॉल नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं कि आओ कोर्ट के बाहर सलाह कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नथिंग। डिवोर्स कब फाइल कर रही हैं, करने वाली हैं आप अभी? अच्छा, बहुत जल्दी मैं डिवोर्स भी फाइल कर दूँगी। हाँ मुझे इस पेनफुल रिलेशनशिप से बहुत जल्दी आज़ादी चाहिए। बस कुछ नहीं, मैं वेट करूँ मेरी लॉयर का, वो आ जाएगी अभी, तो हम लोग अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं। बस सब प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए कि मैं पेनफुल रिलेशनशिप से बहुत जल्दी बाहर निकल जाऊँ। इमोशनली तो मैं निकल ही रही हूँ, टेक्निकली भी मैं निकल जाऊँ तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। मैं लाइफ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ब्यूटीफुली जी सकती हूँ जो मैं जी रही थी, और ऐसे प्रॉब्लमेटिक लोगों की शादी करा के हो जाएगी तो वो लोग अपना प्रॉब्लम आपको देंगे ही देंगे। बस ये प्रे करिए कि मैं बहुत जल्दी इस चीज़ से निकल जाऊँ। सर भी दो तरह के लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं, एक तो वो लड़कियां जिनके साथ ऐसे रिश्ते रहे हैं वो बहुत कनेक्ट कर रही हैं आपके साथ, और एक वो लोग जो कुछ सवाल उठा रहे हैं आपका इंटरव्यू देख कर। क्या कहेंगे सबसे पहले जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं और आपसे सिंपति है, उनको आपके साथ है, खड़ी है? हाँ, मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे लगा कि बहुत कम लोगों के साथ इस लेवल पे, ये तो बहुत लेवल पे धोखा दे दिया है प्रवीण और उसकी फैमिली ने मुझे, बट मुझे लगा कि इतने लेवल पे शायद धोखा नहीं होता होगा। पर जब अब मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो पता चला कि बाप रे, ऐसे तो बहुत सारे लोगों लड़कियों के साथ में हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारे समाज में या हमारे कानून में इतनी सहूलियत दी हुई है ससुराल वालों को कि वो इस लेवल पे झूठ बोल के किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करें? तो हमारे कहीं ना कहीं का समाज को और कहीं ना कहीं कानून को ना बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, ताकि ना ये जो बोलते हैं अरे ससुराल गई हो तो प्रॉब्लम तो होगा ही, ये समझाते हैं लोग, बट क्यों प्रॉब्लम होगा, क्यों क्यों ये होना, ये क्यों होना चाहिए, क्यों होता है? लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मैं बहुत जल्दी ना कुछ बहुत ही रिकरिंग कमेंट्स हैं, मतलब वो कई जगह मैंने इंटरव्यूज दिए हुए हैं और बहुत ही रेगुलर कमेंट्स हैं, तो मैं बहुत जल्दी उनका जवाब देने वाली हूँ बहुत अच्छे से ढंग से। जो आलोचना कर रहे हैं लोग, जैसे कई आलोचना करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो आलोचना कर रहे हैं मैं उनको भी जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि उनको ठीक से पता नहीं है। हाँ बिकॉज उनको पता नहीं, उनको मैं देखिए आप एक घंटे के इंटरव्यू में क्या क्या बताएंगे, चार साल से झूठ चल रहा है, तो मैं और भी बहुत सारे नए प्रूफ्स लेकर आऊँगी, बहुत जल्दी आऊँगी। और मैं हैं आपके पास प्रूफ? आपके पास कितने प्रूफ हैं, किस तरह के प्रूफ हैं? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल का व्हाट्सएप प्रूफ है, 400 फोन रिकॉर्डिंग, तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ मैं लोगों से, मैं सिर्फ ये 6 साल का जो व्हाट्सएप है ना, तो हजारों प्रूफ हैं आपके पास? बहुत सारे प्रूफ हैं, मेरे पास इतने इतने प्रिंट है, मतलब मेरे पास 16 तो फाइल्स बनी हुई है सिर्फ प्रूफ की, और तो 400 से ज़्यादा मेरे पास फोन रिकॉर्ड।